जमीन पे ना सही तो आसमां में आ मिल, क्योंकि शादी का लड्डू खाने के लिए ये कपल इतना उतावला था कि इन्होंने अपनी आधी गेस्ट लिस्ट के साथ अपनी कॉमन सेंस को भी जमीन पर ही छोड़ दिया। इंटरनेट पर इस कपल के काफी चर्चे हुए क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा स्पाइस जेट का प्लेन चार्टर कर लिया और प्लेन में ही सात फेरे ले लिए। इतना खर्चा करने का क्या ही फायदा हुआ होगा जब हम सबको पता है कि प्लेन लैंड करते ही शादी में आए बरातियों ने करी होगी लेग स्पेस की चुगली और किसी एक चाचा जी ने विंडो सीट ना मिलने पर सीन भी क्रिएट कर ही लिया होगा। पर कोरोना काल में शादी के कीड़े ने सिर्फ इस जोड़े को नहीं काटा, वो क्या है ना, बचपन से ही मुझे शादी करने का बड़ा क्रेज है। माय गॉड, दूल्हा सिलेक्ट करने से पहले मैंने कोरियोग्राफर सिलेक्ट किया था कि वो क्या है ना, सिर्फ थर्ड ग्रेड वाली शादी में कजन शजन्स परफॉर्म करते हैं, अपनी शादी पे तो मैं क्रेजी किया रे सोलो दे रही हूँ। हे हाय, दिस इज काइंड ऑफ ऑकवर्ड। तुझे क्या लगता है अगर मन्नू बुआ इस शादी को रोक नहीं सकी तो तू रोक लेगा? आइए हम दिखाते हैं आपको ऐसी ही कुछ शादी के दीवानों की अजीब दास्तानें। ये दोनों तो थे इतने उतावले कि इनसे आरटीपीसीआर टेस्ट पर नेगेटिव आने तक का वेट नहीं हुआ और टीपीई किट में अग्नि को साक्षी मानकर घर पर ही सीन निपटा लिया। दीदी मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझती हूँ, पर आप देश की सिचुएशन भी तो समझिए, वायरस है, सांस नहीं, जीना हराम नहीं, तमाम हो जाएगा। और इनके इस एक महान आइडिया से बाकी कोविड कपल्स भी इंस्पायर हो गए। देखिए मानना पड़ेगा, कोरोना अपनी जगह और स्वैग अपनी जगह। जहां एमपी के जोड़े ने घर में ही काम चला लिया था, इन दोनों ने आउटडोर वेन्यू में शान से अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन किया। तो क्या हुआ अगर दुल्हन पीपीई किट में एंट्री करेगी? शादी का मंडप तो स्टाइलिश होना चाहिए ना, और क्या पता पीपीई किट भी स्टाइलिश हो। आजकल शायद दर्जी पीपीई किट पे भी कढ़ाई सिलाई कर ही रहे होंगे। भला दो लोगों की शादी करने की आग काफी नहीं थी? यहाँ पर तो 200 मेहमानों का पहन पराग से स्वागत किया गया। और मास्क को तो आप सर पे, कान पे, नाक पे कहीं भी पहन सकते हैं, पर मुंह पे नाना, मुंह पर मास्क पहनेंगे तो कोरोना अनइनवाइटेड फील करेगा ना। तो क्या हुआ अगर हम पर एफआईआर ही हो जाए? जेल जाएंगे तो शादी करके ही जाएंगे ताकि लॉकअप में लोनली ना फील होए। बहुत खूब, ऐसी हरकत के लिए ये लिफाफा ही नहीं सिर्फ लाफा डिजर्व करते हैं। प्यार करो ना, पर कोरोना तो मत करो ना। और वैसे भी संत बनी कह गए हैं कि शादी इज लाइक दाल चावल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो क्यों हो इतने एक्साइटेड दाल चावल खाने के लिए? थम जाओ, जाने दो कोरोना को, फिर कर लेना कल्याण। तो अगर आप भी ऐसे किसी शादी के शौकीन को जानते हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर टैग करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी कह के लेने वाली खबरों के लिए अनकट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।